बीकानेर की गणगौर किडी माँ डिमांड इस बार बड़ी है। जी हां, बीकानेर की गणगौर बीकानेर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में भेजी जाती है। इसकी डिमांड इस तरह से देखी जाती है कि भारत के हर बड़े शहर में इसकी डिमांड है। गणगौर बीकानेर का एक बड़ा त्योहार है, इसको लेकर यहां बड़ी संख्या में गणगौर बनाने का काम चल रहा है। यहां गणगौर की ऐसी प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं जो हूबहू इंसान की तरह एवं जीवंत रूप दिखाती है। इस तरह गणगौर का जो प्रोडक्ट और यहां के जो वस्त्र वेशभूषा इस तरह देखी जा सकती है कि ये हूबहू एक व्यक्ति एवं एक महिला की तरह दिखाई देती है। यहां गणगौर और ईश्वर साथ ही भाया का भी प्रोडक्ट और इसका निर्माण किया जाता है। इसके लिए यहां 1000 रूपये से लेकर करीब 1 लाख से अधिक की भी खरीदारी और बिक्री होती है। इस बार गणगौर ईश्वर तो सागवान लकड़ी की डिमांड ज्यादा है। जो सागवान लकड़ी की गणगौर ईश्वर बनते हैं जिनमें आशीर्वाद देते हाथ है, वो हाथ कस्टमर ज्यादा मांग रहे हैं कि इस बार हाथ खुलने वाले हाथ और आशीर्वाद देते हाथ चाहिए हमारे को, तो उनकी डिमांड ज्यादा है। एक सागवान लकड़ी की डिमांड ज्यादा है। भाई कस्टमर ये कहते हैं भाई सागवान लकड़ी का हमारे को पीस दो, जो क्या है कि पीच मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पूछ सके। अपने पास में 1000 रूपये से स्टार्टिंग है। जो नॉर्मल चीड लकड़ी बोलते हैं जिसको पाइन, इंग्लिश नाम पाइन है, उस लकड़ी की बनी हुई है 1000 रूपये से स्टार्टिंग है और ऊपर में 25000 रूपये तक की जोड़ी मिल जाएगी। अच्छा, क्या कहाँ कहाँ से आपके पास डिमांड आ रही है सर? भारत के अंदर सब जगह पे गणगौर ईश्वर जाते हैं, बॉम्बे, चेन्नई, सूरत, मद्रास। क्या खासियत है सर बीकानेर की? बीकानेर की गणगौर की खासियत है कि यहाँ ये सबसे ज्यादा गणगौर ईश्वर प्रोडक्ट यही है बीकानेर में। अच्छा, और कहाँ कहाँ जाता है आपका? मेरा खुद का माल जाता है, सूरत जाता है, जयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, अहमदाबाद जाता है, कलकत्ता जाता है, रांची जाता है, सब जगह पे ऑलमोस्ट जो भी अपने भारत के अंदर जहाँ राजस्थानी बसे हुए वहाँ सब जगह पे अपने डिमांड है। इस बार कितनी डिमांड बढ़ी है या क्या है? थोड़ा देखो, 2 साल पिछले जो 2 साल गए हैं कोरोना की वजह से लोग थोड़ा सा पैसे की वजह से डिस्टर्ब है, बाकी ऑलमोस्ट अभी जैसे 15-20 दिन हो गए सेलिंग चालू होते हुए, तो हमारे को ये लग रहा है कि भाई इस बार सीजन बढ़िया जाएगा।